हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी जल्दी सभी बच्चे अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है? गुड इवनिंग बच्चों, जल्दी से मुझे बता दो चला चैट सेक्शन में कि आपको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी बच्चों को। ओके ओके, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। सो यस, सो बच्चों, जैसे आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर वन है ये, है ना? इसमें हमने बहुत सारे ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, है ना? इसमें हम सारे वो सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने में हेल्प देंगे, है ना? आगे जो आप 9th पढ़ोगे, 10th पढ़ोगे, वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये सारे टॉपिक जो भी हमने इस नंबर सिस्टम में पढ़े हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बच्चे। अगर मैं रूल्स की बात कहूँ तो हमारी क्लास के सभी बच्चे इंटेलिजेंट है और वो रूल्स को फॉलो भी करते हैं। सारे रूल सबको पता है कि आपको कैमरा ऑन नहीं करना होता है ना? और अननेसेसरी माइक भी ऑन नहीं करना होता है। अगर जब भी मैं कहती हूँ, कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, बोलती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, ठीक है, तो आप वाई और एन करके आंसर कर सकते हो, पूरा यस नो लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज बच्चे, मैं जब भी बोलती हूँ आप लोगों को कि आपका जो भी डाउट है आप लिख दीजिए, अपने डाउट्स को जरूर लिखिए, तो कहाँ लिखना है? आप 3 डॉट पे जाएंगे, इन कॉल मैसेजेस में जाएंगे और यहाँ पर जाके अपना जो भी डाउट है बेटा वो लिख दीजिए, या मैंने कुछ पूछा है उसका आंसर भी आप यहाँ जाके इन कॉल मैसेजेस में लिखोगे। दूसरी चीज बेटा जो ध्यान रखनी है सभी बच्चों को, कि मैं जब भी कहती हूँ पोल में आंसर करना है, पोल में आंसर करना, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा ए बी सी डी में से, आपको उसका आंसर करना है, तो आप क्या करोगे? 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे, एक्टिविटी में जाके आप कहाँ पहुंच जाओगे? पोल्स में पहुंच जाओगे, ठीक है, और यहाँ से आप इस बॉक्स में पहुंच जाओगे। ए बी सी डी में से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है वो दबाना है और वोट जरूर करना है बेटा। क्वेश्चन के आंसर हर एक बच्चे को देना है, पोल में आंसर हर एक बच्चे को देना है, पहले कॉपी में करो और उसके बाद पोल में जाके करो, ठीक है। दूसरी चीज बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने डाउट जरूर पूछने हैं, लिख के पूछ दो। नहीं आपको लिख रहा कि बड़ा डाउट है, नहीं लिख सकते हो, अनम्यूट करके पूछो, लेकिन पूछना जरूर है, ठीक है। कोई भी डाउट अपना अधूरा नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, हमने लास्ट सेशन में देखा था बेटा फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी, अगर मान लीजिए होल थिंग है, पूरी चीज है, कोई भी होल थिंग, अगर मैं इसके कुछ पार्ट्स कर देती हूँ, मान लीजिए मैंने इसके 6 पार्ट कर दिए, ठीक है, और मैं इन 6 पार्ट में से 2 पार्ट्स की के लिए बात कर रही हूँ कि इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगी, तो मैं क्या करूंगी? टोटल मेरे पास 6 थे, 2 की मैं हम बात कर रहे हैं, 2 को हम ले रहे हैं, 2 को हटा रहे हैं, तो मैं इसे क्या लिखूंगी? 2/6, ठीक है। यही हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी होल थिंग के अगर हम पार्ट्स कर देते हैं, उन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। दूसरी चीज मैंने बताई थी फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी, द होल कैन बी अ सिंगल थिंग और इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। एक चीज भी हो सकती है जिसके हम पार्ट्स कर रहे हैं और ग्रुप ऑफ थिंग्स भी हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था कि मान लीजिए मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, और मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है। अगर मैं इस एक पार्ट की बात कर रही हूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगी बेटा? 1/4, 4 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, और एक को हम ले रहे हैं, मैंने एक पार्ट एक आपको दे दिया हिस्सा, तो उसको मैं लिखूंगी 1/4। इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन में लिखना, किसी भी होल थिंग के पार्ट को रिप्रेजेंट हम फ्रैक्शन से करते हैं। ऐसे ही मैंने कहा मेरे पास 1 kg ऑफ एप्पल है, ठीक है, 1 kg ऑफ एप्पल है, ग्रुप ऑफ थिंग्स बता रही हूं मैं, 1 kg ऑफ एप्पल है, मैंने इसमें से आधे अलग कर दिए, आधे अलग कर दिए, तो मैंने बोला 1/2 kg मेरे पास है, 1/2 kg आपके पास है, ठीक है, तो आप उसे भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जो होल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, वो एक सिंगल थिंग भी हो सकती है बच्चे और ग्रुप ऑफ थिंग्स भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज सभी को याद रखना है, एक सिंगल थिंग भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ थिंग्स भी हो सकता है।
दूसरी चीज बेटा मैंने जो आप सभी को बताई थी कि जरूरी नहीं है कि सारे पी बटा, अगर आपके कोई भी नंबर पी बटा क्यू की फॉर्म में है तो हम कहेंगे वो फ्रैक्शन है, ठीक है। मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए ले रही हूँ 5/6, 1/2, 3/4, 7/8। मैं यहीं पे बेटा एक और नंबर लिख देती हूँ 6/6। क्या ये फ्रैक्शन है? नहीं, ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कट जाएगा और ये वन दे देगा, ये एक होल नंबर दे रहा है, ठीक है। अगर कोई नंबर आपस में कट के होल नंबर दे देते हैं तो वो फ्रैक्शन नहीं है। जैसे मैं लिख रही हूँ 12/4, मैं ऐसे काटूंगी 4 × 4, 4 × 3 = 12, है ना, 3/1, यानी कि 3 की बात कर रहे हैं तो 3 एक होल नंबर हो गया, तो ये फ्रैक्शन नहीं है बेटा। 12/4 यानी 12/4 जो है वो फ्रैक्शन नहीं है। तो आपको पहले ये भी देखना पड़ेगा कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के बाद भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है या एक होल नंबर बन रहा है। अगर वो एक होल नंबर बन रहा है तो इट मीन्स वो फ्रैक्शन नहीं है। चलिए बताइए, मुझे मेरे पास एक नंबर है 51/17, ये एक फ्रैक्शन है या फिर एक होल नंबर है? अगर फ्रैक्शन है तो ए लिखना, होल नंबर है तो बेटा बी लिखना। सभी बच्चे लिखेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। ठीक है। आप देख रहे हो बेटा कि ये 51/17 है, p अपॉन q की फॉर्म में है मैम, तो ये फ्रैक्शन है ना। बट बेटा ये देखो मेरा कुछ दिख रहा है, ये कट जाएगा, है ना। 17 × 17, 17 × 3 = 51, तो 3/1, 3 आ गया, ये एक होल नंबर है। तो आप देखो पहले कि वो कट तो नहीं रहा, डिवाइड तो नहीं हो रहा। अगर वो डिवाइड हो जाता है, एक नंबर दे देता है, तो वो आपका फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर आपका होल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। जितने भी बच्चों ने ए लिखा है कि ये फ्रैक्शन है, बेटा ये फ्रैक्शन नहीं है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी का बेटा अपोजिट नंबर लिख देती 17/51, तो ये फ्रैक्शन होता। कैसे? क्योंकि मैं तब भी से काटती ना, तो 17 × 17, 17 × 3 = 51, तो 1/3 आता। ये आपका p upon q की फॉर्म में है, अब ये फ्रैक्शन होता। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है? क्या समझाना चाह रही हूं मैं कि अगर कोई डिवाइड होकर एक नंबर दे देता है होल पूरा, तो वो आपका फ्रैक्शन नहीं है, वो एक होल नंबर है। कई बच्चों ने ना ए ए आंसर दिया है। बच्चों आपको क्लियर है क्या? क्या आप लोगों को क्लियर है? देखो बेटा मैं एक नंबर लिख देती हूँ, मान लीजिए 12/3, 6/6, 7/7, 14/7। देखो ये नंबर जितने भी है ना, पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। 3 × 3, 3 × 4 = 12, तो 4 दे रहा है। ये 6 × 6, 6 × 6, 1 दे रहा है, ठीक है। 7 × 7, 7 × 7, 1 दे रहा है। 7 × 7, 7 × 2 = 2, 7 × 14, तो यहाँ भी हमें 2। ये क्या नंबर सारे क्या दे रहे हैं बेटा? होल नंबर दे रहे हैं डिवाइड होने के बाद, तो ये फ्रैक्शन नहीं हुए, ये आपके होल नंबर हुए, ठीक है। तो फ्रैक्शन के लिए आपको ये देखना है कि वो p अपॉन q की फॉर्म में हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के बाद भी, ठीक है। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के बाद एक नंबर आ रहा है, प्रॉपर डिवाइड हो जा रहा है, तो इट मीन्स वो क्या है बेटा? वो आपका होल नंबर है। क्या मेरी बात समझ आई है? ये हमने पिछली क्लास में भी बेटा पढ़ा था सारा और समझा भी था। क्या किसी बच्चे को इसमें डाउट? बेटा एक तो ना सभी बच्चे टाइम से क्लास ज्वाइन किया कीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मान लीजिए बेटा मेरे पास और एक क्वेश्चन है, क्या मैम दोबारा बता दो। क्या बेटा क्वेश्चन? मैंने अभी रिपीट ही नहीं किया, क्वेश्चन तो अभी बताया ही नहीं है। आपने अभी समझाया होगा। मैंने बताया, मान लीजिए बेटा मेरे पास 52/2 है, ठीक है। क्या ये एक फ्रैक्शन है या एक होल नंबर है?
बता दो जरा, फ्रैक्शन है या होल नंबर है? फ्रैक्शन है तो ए, होल नंबर है तो बी। वेरी गुड। आनंद गिरी की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करना जरा, आनंद गिरी की आईडी से जो बच्चा है। यस मैम। हाँ बेटा, अगर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या? नो मैम, गलती से हो गया। नहीं मैं पूछ रही हूँ बेटा, गलती से हो गया तो अब बता दो। नो मैम, मैम हो सकता है, हो जाएगा ना, 2 बन जा 2। और यस मैम, और क्या आएगा ये? 2 2 जा 4। हाँ 2 6 जा 12। तो 46/1 यानी कि 46 आया, होल नंबर आ गया, होल नंबर मैम। तो ये फ्रैक्शन नहीं है, होल नंबर। सिंपल है, अगर वो पूरा डिवाइड हो जा रहा है बेटा तो वो फ्रैक्शन है ना। डिवाइड नहीं, सॉरी, डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो फ्रैक्शन है, और डिवाइड हो जा रहा है तो वो होल नंबर। चलिए अब मुझे एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर देंगे अगर समझ आ गया है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन, नीचे दिए गए नंबरों में से कौन सा फ्रैक्शन नहीं है? 1/2, 9/7, 4/9 और 12/6। ठीक है बेटा, पोल में आंसर करना है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। ठीक है, पहले आप देखिए कि कौन सा p अपॉन q की फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक है, जो आपका p अपॉन q की फॉर्म में है वो आपका फ्रैक्शन है, जो नहीं हो रहा, जो पूरा डिवाइड होकर एक नंबर दे रहा है वो आपका क्या है? फ्रैक्शन नहीं है। देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही बताते हैं। बेटा ध्यान से कीजिए, मैम। हाँ जी बेटा। मैम जो आपने वो पीछे वाला एग्जांपल दिया था ना, 52/2, हाँ, उसमें 46 नहीं आएगा, 26 आएगा। 26 आएगा, हाँ हाँ ठीक है बेटा, यस यस। वेरी गुड। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे। वेरी गुड। Which of the following is not a fraction? ये आपको बताना है कौन सा इसमें से फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, 1/2, 9/7, 4/9, 12/6। जल्दी जल्दी कर दीजिए, अभी जितने बच्चे बचे हुए हैं, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। 5, 4, 3 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। जिन बच्चे का पोल नहीं चलता है बेटा जल्दी से कर दो। ठीक है बच्चे, देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो आपका p अपॉन q में है कटने के बाद भी वो आपका फ्रैक्शन होगा। जैसे 1/2 p अपॉन q की फॉर्म में, इससे स्मॉलेस्ट फॉर्म हो भी नहीं सकती, फ्रैक्शन है। 9/7 फ्रैक्शन है, 4/9 फ्रैक्शन है, 12/9, 12/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, है ना। 2/1 आपको 2 देगा, राइट बेटा, ये एक होल नंबर है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इट्स नॉट अ फ्रैक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप सभी का करेक्ट है। ठीक है,
एक चीज और बेटा, जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था ना, 52/2, बच्चे ने बिल्कुल सही कहा मैम, चार नहीं आएगा, मैंने लिख दिया था 46, बेटा 46 नहीं आएगा, 26 आएगा। बेटे ने, बच्चे ने बिल्कुल सही पकड़ा कि दो दुनी चार होगा और एक इधर दिया तो 6 आएगा, 26/1 यानी कि 26 आएगा, क्या विच इज ऑल्सो अ होल नंबर नॉट अ फ्रैक्शन। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन पहले होता क्या है ना, किसी भी होल में से, होल चीज में से, होल थिंग के अगर हम पार्ट्स कर देते हैं, तो अगर उन पार्ट्स के बारे में हम बात करते हैं तो उन पार्ट्स को रिप्रेजेंट हम फ्रैक्शन से करते हैं, राइट? ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। चलिए अब एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे कि हमने जो टाइप ऑफ फ्रैक्शन देखा था पिछली क्लास में। ठीक है, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बच्चे को मेरी आवाज नहीं आ रही है, बाकी सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? जरा बता दीजिए जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे। ठीक है, जो बच्चे को आवाज नहीं आ रही है बेटा, आ रही है क्या मेरी आवाज? फुल कॉमेडी के आईडी से बच्चा है। चलिए एक क्वेश्चन और मुझे आंसर दीजिए। A number representing a part of underscore यानी कि डैश इज कॉल्ड अ, क्या कहते हैं उसे, ये आपको बताना है। ठीक है, अभी भी मैंने आपको कई बार समझाया है कि फ्रैक्शन किसका पार्ट होता है, ठीक है, वही आपको आंसर बताना है। ठीक है, ए नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ, मतलब कोई नंबर जो है वो किसका पार्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, होल, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर आपने मुझे ध्यान से भी सुना होगा तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही करेंगे। बेटा आप क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। आप, उसने आपसे पूछा है ए नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ, मतलब कोई एक नंबर है वो किसका भाग दर्शाता है, किसका भाग होता है जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, किसका पार्ट होता है जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं? किसके हम पार्ट करते हैं बेटा? मैं बार बार ये चीज बता रही थी अभी, किसके हम पार्ट करते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, किसके पार्ट करते हैं? बच्चे गलत कर रहे हो आप लोग, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझो। हम किसके पार्ट करते हैं जो फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट करते हैं? हम किसके पार्ट्स को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसका पार्ट होता है वो? वेरी गुड, सभी बच्चे कर दीजिए, सोचिए। हाँ बेटा मैम, एक बार दोबारा समझाना ये क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन में ये बोला है कि जो फ्रैक्शन होता है वो किसका पार्ट होता है, मैंने जब बताया आपको कि किसके पार्ट करते हैं जिसको हम फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने अभी एक डायग्राम भी बना बना के दिखाया था आपको कि फ्रैक्शन इसका पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है वो, किसके पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन में हम। मैंने पिछले क्लास में भी बार बार रिपीट किया था बेटा कि किसका पार्ट होता है, आज भी मैंने क्लास में स्टार्टिंग में आपको बताया था, कोई भी जो फ्रैक्शन होता है वो किसका पार्ट होता है। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, सभी बच्चे कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए 5 सेकेंड और दे देती हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बेटा मैंने सभी को बार बार बताया था मेरे वर्ड्स को सुना करो, वर्ड्स को सुना करो, आधे बच्चों ने आंसर गलत किया है। बेटा मैं बार बार बताती हूँ, किसी भी होल का
होल थिंग बार बार बोल रही हूँ मैं, किसी भी होल थिंग के पार्ट्स को ही तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना फ्रैक्शन में। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था क्लास के कि या तो कोई होल थिंग हो सकती है, ग्रुप ऑफ थिंग हो सकता है, किसी भी होल का, किसी भी पूरी चीज के अगर हम पार्ट्स कर देते हैं उन पार्ट्स को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। आधे बच्चों ने प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा है, बता नहीं बेटा, क्या मेरी बात समझ आई है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जो फ्रैक्शन होता है वो किसी भी, अगर मैं मतलब किसी भी पूरी चीज के कुछ पार्ट्स कर देती हूँ और उन पार्ट्स के बारे, उस पार्ट्स को लिखना चाहती हूँ, तो मैं उसे किस में, किसके थ्रू लिखती हूँ, रिप्रेजेंट कैसे करती हूँ बच्चे? रिप्रेजेंटिंग थ्रू फ्रैक्शन। यही मैंने डेफिनेशन में भी आप सभी को बार बार बताया था, याद आया? मैम जी हटका बताइयो बेटा, मैंने ये बात बोली, अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ डैश इज कॉल्ड फ्रैक्शन। मैंने आपको बार बार बताया जो फ्रैक्शन होता है वो किसी भी होल का, कोई भी पूरी चीज है, अगर मैं उसके कुछ पार्ट्स कर देती हूँ, उन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो अभी अगर इस ऑप्शन में जाए तो फ्रैक्शन को मतलब एक पार्ट किसका पार्ट होगा? वो होल का ना, किसी भी पूरी चीज का, ठीक है? उस पूरी चीज के पार्ट को लिखने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। आधे बच्चों ने हमारा गलत लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था टाइप ऑफ फ्रैक्शन, है ना? दो तरीके के फ्रैक्शन हमने पढ़े थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन के बारे में भी, ठीक है? पहले हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और फिर मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आप सभी को बताया था क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस, कम हो, देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब मान लीजिए मेरे पास नंबर है 3/5, 3/5, न्यूमरेटर ऊपर वाला है, डिनोमिनेटर नीचे वाला है। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? इसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम होगा। ऐसी 7/12, देख लो न्यूमरेटर कम है, 7 है, और डिनोमिनेटर 12 है, 12 है, तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? सिमिलरली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी, कूल कॉमेडी की आईडी से बच्चा, लास्ट वार्निंग है मैं आपको जो दे रही हूं, क्लास से अब मैं बाहर निकाल दूंगी। दूसरी चीज बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा कि मान लीजिए 5/3 है, मतलब न्यूमरेटर आपका बड़ा हो, डिनोमिनेटर आपका छोटा हो, ठीक है? न्यूमरेटर आपका बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर than its denominator, the fraction is called improper fraction. ये हमने last class में भी देखा था बेटा, ऊपर वाला number अगर बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? Improper fraction कहते हैं। जैसे मैं लिख दूँ 17/12, ठीक है? Numerator ऊपर 17 है, नीचे denominator है। तो जब numerator of a fraction is greater, बड़ा होगा denominator से, improper fraction, छोटा होगा, less होगा, तो improper fraction। क्या इसमें किसी बच्चे को doubt? Proper fraction और improper fraction में जल्दी से मुझे chat section में सभी बच्चे बता दीजिए। सभी बच्चे ठीक है, ठीक है, चलो फिर मुझे जल्दी से बता दो। एक नंबर लिख रही हूं मैं, 51/3, इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन और अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ए लिखना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा तो बी लिख देना, ठीक है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो बी, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ए,
ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। सबके आंसर चाहिए मुझे, सभी बच्चों के, सभी बच्चों के। ठीक है सुरभि सैनी की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो जरा, सुरभि सैनी की आईडी से जो बच्चा है, सुरभि सैनी की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो एक बार। कर लिया? यस बेटा, आपने बेटा ए लिखा है ऑप्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे बेटा मुझे समझाओ, फिर देखते हैं। मैम गलती से लिखा गया। नहीं बेटा, अगर डाउट है तो मुझे बताओ, मैं बता दूंगी। देखो ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर बड़ा है ना, डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, मैं वो गलती लिखा गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सभी बच्चों को क्लियर है तो मैं अब एक क्वेश्चन पोल में पूछूंगी बच्चों, ठीक है? यस, जितने बच्चों ने भी सही आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड सभी को। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, पोल में सभी को आंसर देना है, ठीक है? क्वेश्चन है बेटा, अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज डैश द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। कब कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन होता है? जब न्यूमरेटर क्या होता है, ऑप्शन में से सिलेक्ट करो और पोल में आंसर करो। जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एग्जांपल माइंड में सोच लेना। अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज, क्या होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, उसे फिर कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन पूछा है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान से कीजिए, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, ध्यान से कीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन सोचिए, कब होगा, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ऐसे सोचो माइंड में, फिर उसको जो आपका सेंटेंस है उसे पूरा करिए। मैंने आप जब अभी लाइन पढ़ा रही थी तब भी दिखा रही थी बार बार, अंडरलाइन कर करके, प्रॉपर फ्रैक्शन में भी, इम्प्रॉपर में भी। वेरी गुड बच्चो, मैम क्वेश्चन दोबारा बताना। हाँ बेटा, क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन, कौन से फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, क्वेश्चन ये है, ठीक है? उसने बोला है अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज डैश, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर से, जब वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, लेस होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वन ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बेटा क्वेश्चन? मैम मेरा गलती से हो गया। मैम बेटा प्लीज, सभी बच्चों को मैं बार बार बोलती हूँ कि आप पहले दो बार देखा करो कि आप लोग क्या आंसर कर रहे हो, है ना? हाँ बेटा, मैम मेरा भी गलती से हो गया पोल में। बच्चों मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ सभी को कि आप लोग दो बार तीन बार पहले देखा करो पोल में क्या आंसर कर रहे हो। अभी मैं चैट ऑन करूंगी तब कर दीजिएगा, पर आगे के लिए सभी बच्चे ध्यान रखिए, जब भी पोल में आंसर आते हैं दो बार चेक किया करो आप क्या आंसर कर रहे हो, ठीक है? चलो अभी मैं चैट ऑन करूंगी तो आप कर दीजिएगा। मैं चैट ऑन करूंगी तो अभी के लिए तो आप तब कर दीजिएगा। ओके मैम। सभी बच्चे करेंगे, बच्चे अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज ब्लैंक द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है, एक एग्जांपल माइंड में सोच लो कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर से, जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, सेंटेंस कंप्लीट कर दो। वेरी गुड, काफी बच्चों ने कर दिया है। वेरी गुड, चलिए दो तीन बच्चे मेरे बच्चे हैं, बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग भी कर दीजिए, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूं, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बच्चे आंसर सभी बच्चे करेंगे प्लीज। और ये सुनील रोहिया की आईडी से जो बच्चा है बेटा, ये था सेकंड टाइम नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? चलिए जिस बच्चे का पोल नहीं चलता है बेटा, जल्दी से चैट सेक्शन में कर दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे फिर। बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन है, केपी की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आपने आंसर, आप जरा अनम्यूट करो, केपी सिंह की आईडी से जो बच्चा है, केपी सिंह की आईडी से बच्चा है बेटा। मैम सॉरी, गलती से हो गया।
आपने लिखा ग्रेटर देन, अगर गलती से भी हुआ है बेटा तो आगे के लिए याद रखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में बेटा न्यूमरेटर छोटा होता है, लेस होता है ना, लेस देन द डिनोमिनेटर, उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैं 5/7 लिख दूं, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है? यस मैम। तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका ए करेक्ट है, वेरी गुड, कर लीजिए म्यूट, ठीक है? बाकी काफी बच्चों ने बिल्कुल सही किया था बेटा, हमेशा ना जो आपको पढ़ाया जाता है उसको माइंड में रखा करो, फिर लिंक करने की कोशिश किया करो कि सेंटेंस से कैसे पूरा हो रहा है, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, फिर सभी बच्चे देंगे, ठीक है? आपको बताना है किस टाइप का फ्रैक्शन है 2/5, वेरी इजी, वेरी इजी, 2/5 किस टाइप का फ्रैक्शन है ये आपको बताना है, ठीक है? हाँ बेटा, नहीं बेटा वो 2/5 ही है, वो ऐसे अंडरस्कोर लगा हुआ है, 2/5 ही है, 2/5 आपका किस टाइप का फ्रैक्शन है ये आपको बताना है। वेरी गुड, आई होप ये तो गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, हाँ 2/5 2/5 किस तरह का फ्रैक्शन है? वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे, टू अपॉन फाइव विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन, नीचे जो गिवन है उनमें से किस टाइप का फ्रैक्शन? वेरी गुड, अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं हमारे, वेरी गुड, सभी बच्चे कर दीजिए जल्दी जल्दी, अभी भी हमारे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दो बेटा, आपको बस देख के बताना है किस टाइप का फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, आपको पता है कैसा होना चाहिए, है ना, कौन किस टाइप का फ्रैक्शन है ये। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जल्दी जल्दी कर दो, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है? पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, बट सभी बच्चों को करना, जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है ना सबका आंसर मेरे पास आना चाहिए बेटा, सिंपल है, न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर आपका ऊपर वाला नंबर छोटा होता है नीचे वाला बड़ा होता है तो कौन सा फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना? और इसी का मैं उल्टा लिख दूं, 7/5 लिख दूं तो ऊपर वाला अगर बड़ा है नीचे वाली संख्या छोटी है तो इसे हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर भी मेरे 4-5 बच्चों ने आंसर गलत कर दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन की जगह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दिया बेटा, इसको क्लियर रखो अपने माइंड में कि जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो। हाँ बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन था, ठीक था वो। हाँ बेटा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, 2/5 है ना, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, है ना? ऊपर वाला नंबर छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? चलो फिर एक क्वेश्चन और बता दो, एक क्वेश्चन और मुझे बता दो, मेरे पास है 12/5, 12/5 किस टाइप का फ्रैक्शन है ये आपको बताना है। अब बच्चे इसमें तो मुझे नहीं लगता गड़बड़ होनी चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है? चलिए किस टाइप का फ्रैक्शन है 12/5, देखते हैं कितने बच्चों को सही आता है। ठीक है बच्चे, बेटा मैं सभी को इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग ना जिस दिन आप लोगों की क्लास हुआ करे ना थोड़ा नेट को सेव कर लिया करो सभी बच्चे, है ना बेटा? इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या होल नंबर, 12/5 आपका क्या है ये आपको बताना है बेटा। सिंपल देखो, न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है, वेरी गुड, वेरी गुड,
सभी बच्चे करेंगे, सभी, मुझे सबका आंसर चाहिए बेटा। ट्वेल्व बाई फाइव किस किस टाइप का फ्रैक्शन है? चलिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर नहीं आया अभी तक। ट्वेल्व बाई फाइव क्या है आपका? आपको पता है न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है? अभी भी मैंने बार बार रिपीट किया है। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो बच्चे मेरे बचे हुए हैं 3-4 बच्चे, जल्दी जल्दी आप लोग भी कर दीजिए। 5 4 3 2 1 0 ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, हमारे कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बेटा, ऊपर नंबर आपका न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। ऊपर वाला नंबर ग्रेटर है, नीचे वाला स्मॉलर है। जब डिनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो, क्या होता है ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। काफी बच्चों ने सही किया था, फिर भी मेरे 2-3 बच्चों ने ना गलत आंसर किया है। नेचुरल नंबर होल नंबर लिखा है। बेटा प्लीज देखने से पहले देखो तो हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है, हाँ बेटा मैम हमारा चैट नहीं चल रहा। आपका चैट नहीं चल रहा? ओके बेटा, ये नेट, आप कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना नेट स्लो चल रहा है, तो मे बी इस वजह से भी गलती हो रही है। मतलब इस वजह से भी आप लोगों का बीच में नेट चैट नहीं चल रहा, कभी पोल नहीं चल रहा। 2-3 बच्चे बता चुके हैं ना नेट बहुत स्लो चल रहा है आप लोगों का। चलिए, अगर मेरे पास 5/7 है तो मैं इसे बोलूंगी प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। और यहीं पे मेरे पास 7/5 है, यानी कि ऊपर वाला नंबर 1 है, तो इसे मैं बोलूंगी बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। मैंने आपको 2 बता दिए, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम कहाँ बढ़ेंगे बच्चे? हम बढ़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन की तरफ। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे? मिक्स फ्रैक्शन होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ए फ्रैक्शन मेड अप ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। मतलब एक फ्रैक्शन जिसके अंदर आप जैसे ही लिखिए 4 × 2/3, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इस पूरे को हम बोलेंगे बेटा मिक्स फ्रैक्शन। और इसके अंदर बच्चे एक आपका होता है होल नंबर और एक आपका क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, हमेशा याद रखिए, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक आपका होल नंबर होता है, एक पूरा नंबर होता है, एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और इस पूरे को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं? 4 × 3/2/3 हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या होगा? 4 सही 2/3। जैसे मैं यहां लिख रही हूँ 1 सही 1/2, 1 × 1/2। इसके अंदर 1 क्या है? होल नंबर है, और 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है। बेटा ये हमेशा याद रखना, मिक्स फ्रैक्शन में जो ये फ्रैक्शन होता है हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, कभी भी ये इम्प्रॉपर नहीं होगा, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो उसमें एक होल नंबर होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछती हूँ 2 × 2/3 किस टाइप का फ्रैक्शन है, तो आप क्या बोलोगे? मैम इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसके अंदर आपका एक होल नंबर होता है और एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जो तो मैं कह सकती हूँ मिक्स फ्रैक्शन इज मेड अप ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है मिक्स फ्रैक्शन के बारे में? क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है मिक्स फ्रैक्शन के बारे में? यस और नो? ठीक है, तो बच्चे मैंने हमेशा ना अभी तक आपको जितने भी डायग्राम बताए हैं,
वो आपको ना प्रॉपर फ्रैक्शन के बताए हैं। याद करो मैंने बोला 5/7, इसका डायग्राम आप क्या करोगे, कोई चीज लोगे 7 उसके पार्ट्स बना दोगे और 5 पार्ट्स को क्या कर दोगे बेटा, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए इनके, 5 पार्ट्स को आप कलर कर दोगे। तो आप ये बताओगे मैम ये 5/7 है, या मान लीजिए मैंने लिखा 4/6, तो आप क्या करोगे कोई एक चीज ले लोगे उसके 6 पार्ट बना लोगे, 6 मान लो इसकी मैंने पंखुड़ी बना दी, और 3 को आप क्या करोगे कलर कर दोगे, है ना, और इसे बोलो 4 को कलर कर दोगे और टोटल 6 है और 4 को आपने कलर कर दिया, तो इसको मुझे ऐसे बता दोगे। ये हमारा जितने भी हमने डायग्राम बनाया है ये बनाया बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन के, मैंने अभी तक एक भी डायग्राम बेटा आपको इम्प्रॉपर का नहीं बताया, ठीक है। मैंने कभी बताया कि 7/5 का डायग्राम कैसे बनेगा, अगर मैं किसी चीज के 5 टुकड़े कर दूं है ना तो उसके 7 कैसे कलर करूंगी, है ना। तो इसके लिए बेटा हम हमारे पास होता है मिक्स फ्रैक्शन। हम मिक्स फ्रैक्शन में पहले क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ना मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं और मिक्स फ्रैक्शन से डायग्राम बनाते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन से डायग्राम कैसे बनता है। देखो मान लीजिए मेरे पास है 3/2, 3 × 5/8, ठीक है। मैं इसका डायग्राम कैसे बनाऊंगी, इस ये क्या है एक प्रॉपर एक ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। इसके अंदर बेटा 3 क्या है एक होल नंबर है और ये क्या है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बेटा आपको इसका तो डायग्राम बनाना आता है ना, अगर मैं आपसे कहूं 5/8 का डायग्राम बनाओ तो आप क्या कहोगे, मैम कोई एक चीज है जिसके हमने 8 पार्ट्स किए हैं, 1, 2, 3, 8, है ना। तो मैंने क्या किया इसके 8 पार्ट में से 5 पार्ट्स को कलर कर दिया, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर तो दिखा दिया 5/8 से प्रॉपर फ्रैक्शन बता दिखा दिया, अब उसमें बचता है होल 3। तो इस 3 का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे 3 और सर्कल बना दो, 1, 2, 3, और उसके भी 8-8 हिस्से कर दो, ठीक है 8-8 हिस्से कर दो, लेकिन उनमें हम सबकी ले रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, आठों के आठों के हिस्से की बात कर रहे हैं, पूरे पूरे को ले रहे हैं हम, ठीक है। तो 1, 2, 3, तो 3 ये होल पूरे हो गए और 1/5 हो गया। तो ये जो पूरा हुआ ये किसका डायग्राम हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन का। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, क्या कहना चाह रही हूं मैं, मैम रिपीट करना, ठीक है। देखो बेटा मैंने बताया मिक्स फ्रैक्शन का डायग्राम कैसा होगा, आपको क्या करना है पहले इस प्रॉपर वाले पार्ट का बना लो, ठीक है। इसका सबको मैंने सिखाया हुआ है कैसे बनता है, जितने नीचे डिनोमिनेटर में पार्ट्स है उतने किसी भी चीज के पार्ट बना दो और ऊपर जितने उनको कलर कर दो, फिर जो ये बाकी जो 3 होल नंबर बता उतने और बना दीजिए, वो क्या कहता है कि 3 और, मतलब होल कंप्लीट की बात कर रहा है। मान लीजिए आपके पास ना रोटी है, ठीक है, मैंने आपने बोला मैम मैंने दो हमने मैंने ना 3.5 रोटी खाई है, तो मैं इस 2.5 को कैसे लिखूंगी, 2/1/2, है ना, मतलब एक रोटी में से आपने आधा खाया और 2 रोटी पूरी खाई, तो इस पूरी पूरी में से भी 2 हिस्से किए लेकिन वो आपने पूरे पूरे ले लिए, मतलब पूरी पूरी रोटी ले ली, तो मैं इसको क्या लिखूंगी 2/1 और इसको क्या लिखूंगी 1/2, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, मिक्स फ्रैक्शन में हमारा एक अलग प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है और 2 होल नंबर में वही चीज पूरी पूरी भी बन जाती है उतने इक्वल पार्ट्स के साथ। क्या मेरी बात समझ आई है? यस मैम। कि होल नंबर क्या है और प्रॉपर फ्रैक्शन में ये पूरा नंबर मिलके आपका क्या बनाता है, मिक्स फ्रैक्शन। ये पूरा नंबर आपका क्या है बच्चे, मिक्स फ्रैक्शन। क्या मेरी बात समझ आई है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है और इसका डायग्राम कैसे बनता है। मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, मान लो मेरे पास है 2/3/5, ठीक है, मुझे इसका डायग्राम बनाना है, तो मैं पहले क्या करूंगी प्रॉपर फ्रैक्शन का बना लूंगी। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या है, कोई चीज के 5 पार्ट बना दिए, ठीक है, और उसमें से 3 कलर कर दिए, 3 कलर कर दिए, 1, 2, 3, ठीक है, 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन का हो गया। लेकिन इसमें आगे होल भी है, तो ये क्या कह रहे हैं 2 कंप्लीट, तो मैंने 2 पूरे और बना दिए ऐसे सर्कल जिसके 5 ही भाग हैं, लेकिन हम 5ों को ले रहे हैं, पूरे पूरे को ले रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें पूरे पूरे को ले रहे हैं,
पांच में से पांचों भाग तो ये एक दे देगा, ये भी पूरे में से पूरा तो ये भी एक दे देगा, तो एक और एक दो हो गए, दो पूरा ले रहे हैं और एक का तीन बटा पांचवा भाग ले रहे हैं। क्या मेरी बात अब समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये पूरे हम दो सही तीन बटा पांच टू इंटू थ्री बाय फाइव को कहेंगे क्या? इट्स अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? ठीक है, तो बेटा मैंने आपको बताया सबसे पहले कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जहां पर ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे 4 into 2/3, ठीक है, 1 into 1/2, इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। और हमने अभी प्रॉपर का डायग्राम देखा है और मिक्स फ्रैक्शन का डायग्राम देखा है। इम्प्रॉपर का हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, हम आगे सीखेंगे कि कन्वर्जन मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फिर हम उसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? क्या किसी बच्चे को डाउट है अभी भी? बता दीजिए जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में बेटा, किसी बच्चे को डाउट? चलिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे, ठीक है, मेरे एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा, आपके पास दो पूरे सेब हैं और एक आधा है, अगर इसे आपको लिखना हो फ्रैक्शन में तो आप इसे कैसे लिखोगे? ठीक है, अभी मैंने बताया था, ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन होना सही है। अभी मैंने रोटी का भी एग्जांपल दिया था, है ना, तो आप जितना अगर ध्यान से सुना होगा तो सभी बच्चों को ये समझ आ जाएगा क्वेश्चन। मैम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है? हाँ बेटा मिक्स में ही लिखना है। अगर अभी मैंने वैसे भी मिक्स को कन्वर्ट करना सिखाया नहीं है ना, तो मैं वैसे भी क्वेश्चन नहीं दूंगी। दो सेब है और एक आधा सेब है, इसे आप सोचो कैसे लिखोगे? मैम इसे फ्रैक्शन में लिखना है? हाँ बेटा फ्रैक्शन में, जो अभी मैंने सिखाया था ना आपको कि अगर मेरे पास कि किसी भी फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, अभी मैंने एक रोटी का एग्जांपल भी दिया था कि मेरे पास एक आधी है तीन पूरी है तो मैं उसे कैसे लिखूंगी, है ना, वैसे। Yes, ma'am. वैसे वेरी गुड। वेरी गुड, मैम एक बार ऑप्शन बोल दो, मेरे में पिक्चर नहीं आ रही है। अच्छा पिक्चर में बेटा है, दो सेब है और एक आधा है, ठीक है, और ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है 2/3, ऑप्शन नंबर बी है 3/2, ऑप्शन नंबर सी है 2 सही 1/2 यानी कि 2 into 1/2, और ऑप्शन डी है 5/6। ठीक है रिपीट करूं, ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 3/2, ऑप्शन सी 2 into 1/2, और ऑप्शन डी 5/6। सभी बच्चे कर देंगे बेटा, अभी सबका नहीं आया है। दो पूरे सेब है और एक आधा है, वेरी गुड वेरी गुड। मैम ये तो फ्रैक्शन में लिखना है इसमें? नहीं बेटा, जिसमें मैंने अभी जो मैंने अभी कन्वर्ट करना नहीं सिखाया ना, अभी आपको जिसमें पता है, अभी मैंने जिसमें बताया था उसी में ही लिख लीजिए। ओके मैम। यस वेरी गुड, अभी भी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दो। दो पूरे सेब है और एक आधा है, अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे?
चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो मेरे बच्चे बचे हुए हैं जल्दी जल्दी कर दो। 5, 4, 3, 2, 1 जीरो। क्या पोल को करते हैं बंद। और चैट को करते हैं, ठीक है बच्चे? यस। तो बच्चे क्या था, 2 पूरे हैं 1 सेब 2 सेब, ठीक है? 2 सेब हमारे पास पूरे हैं और 1 आधा। अगर मैं 1 सेब के 2 हिस्से करूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 1/2, है ना, 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 × 1/2, ठीक है? यस बच्चे, आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2 = 4 और 1 = 5 तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बन जाएगा, राइट? तो 5/2 आएगा, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं डाला हुआ मैंने अभी, क्योंकि मैंने अभी कन्वर्ट करना मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं बताया है, ठीक है? इसलिए मैंने सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन का ही ऑप्शन दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? इसमें किसी बच्चे को डाउट मिक्स फ्रैक्शन में? ठीक है। ओके बच्चों, सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी ले लेते हैं होमवर्क, ठीक है, और आपके डाउट।